एमआयएम केवळ मुस्लिमांची संघटना नसून विविध समाजाच्या उमेदवारांना पक्षानं संधी दिलीय. पक्षानं धोबी समाजाच्या अध्यक्षाला उमेदवारी दिली असून त्याचं नाव ठाकरे आहे. त्यामुळे आज आदित्य लढत असले तरी उद्या उद्धव ठाकरे एमआयएम कडून लढतील असा टोला एमआयएमचे नेते खासदार इम्तियाज जलील यांनी लगावलाय. एमआयएमच्या पुण्यातील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित केलेल्या सभेत जलील बोलत होते. मजलिस के तिकीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा श्रीरामपुर से मातंग समाज का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट का मातंग समाज का मजलिस के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा. पैठन से बंजारा समाज का एक हमारा भाई मजलिस के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा. हद तो ये हो गई कि रावेर जलगांव में जो मजलिस का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ रहा है और इंशाल्लाह जीतेगा वो धोबी समाज का महाराष्ट्र का अध्यक्ष है. अब खुदा की कुदरत भी देखिए ये बंदे का नाम क्या है मालूम आपको? धोबी समाज का महाराष्ट्र का अध्यक्ष मजलिस का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ रहा है. उस उम्मीदवार का नाम है ठाकरे. अब बोलिए अब ठाकरे भी हैरान नहीं होना. आदित्य लड़ रहा है कल उद्धव भी बोल सकता है मैं मजलिस से लड़ लूंगा. कुछ भी हो सकता है दोस्तों. आज जिस जमात के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते थे आज इतना बड़ा समाज ऐसी कोई जाति ऐसी कोई धर्म का इंसान नहीं है जिन्होंने मजलिस के पास आया और मजलिस का टिकट नहीं लिया है. क्या वजह है?